दोस्तों ये हैं फरीदाबाद के पूर्व मेयर देवेंद्र भड़ाना जी, जिनके आजकल एक बहुत बड़े चर्चे हो रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि इन्होंने कई करोड़ रुपए की ज़मीन एक संस्था को दान दी। मेरे साहब क्या बात है, मतलब ऐसी कोई बात हुई है क्या? हाँ देखिए, गांव मुजेसर में अच्छा एक मंदिर है जहाँ उस मंदिर की ज़मीन का पट्टा मेरे नाम 1987 से चला। अच्छा, तो ये मंदिर की ज़मीन थी लेकिन इसमें लगभग 2 एकड़ के करीब का पट्टा मेरे नाम से था। अच्छा, 87 से। तो वहाँ के कुछ लोग वहाँ इकट्ठे होकर के जो वहाँ उस मंदिर की संस्था को जो चला रहे हैं, देख रहे हैं, उनके कुछ लोग इकट्ठे होकर के मेरे पास आए कि जी ये आपके नाम जो पट्टा है, जमीन जो मंदिर की है, ये आप, क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से उस मंदिर की देख रहे, मेंटेनेंस वगैरह सारे कुछ वही लोग देख रहे थे, तो वो मेरे पास आए और कहने लगे जी 2 एकड़ का पट्टा, लगभग 2 एकड़ के करीब था पट्टा मेरे नाम, वो कहते जी ये पट्टा हमें दे। वो इसकी मुझे कीमत भी देने के लिए उन्होंने मेरे से कहा था कि जी आप अपने कुछ इसकी कीमत तय करके। कितने जमीन है लगभग? देखिए लगभग अगर देखा जाए तो ये कम से भी कम 8-10 करोड़ रुपए की जमीन होगी। अच्छा, जो मेरे नाम जो पट्टा। अच्छा, आपके नाम तो उसमें जो एक रेशो होती है पट्टेदार की और मलकियत वाले की, तो 60-40 की रेशो होती है। अच्छा, तो लगभग मेरे हिस्से में जैसे 2 एकड़ का पट्टा था तो लगभग 6-7 करोड़ रुपए। तो वो लोग मुझे कीमत भी देने के लिए तैयार थे लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई मैं पट्टे की जमीन है, मंदिर की जमीन है, मेरे को इसका कोई पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैंने गांव के बुजुर्गों से ये सुना है कि कब्रिस्तान की जमीन, शमशान घाट की जमीन या मंदिर की जमीन, कुआं की जमीन, जोहड़ की जमीन, इन चीज़ों पर लोगों को कभी अपना मालिकाना हक नहीं जताना चाहिए। अच्छा, तो मैंने ये जमीन जो है मुझे सर गांव को दान में दे दी। क्या नाम है संस्था का जिसको आपने दान दी? देखिए ये संस्था है, मुझे संस्था का नाम मालूम, ये श्री श्री 108 सिद्ध बाबा हृदय राम जी का मंदिर है। अच्छा, हृदय राम जी का मंदिर मुझे सर, मुझे सर जी। अच्छा, तो ये काफी प्राचीन मंदिर है, बहुत लगभग 600-700 साल पुराना मंदिर वहाँ पे जो बताते हैं। अच्छा, उन लोगों से मैंने कह दिया भी मुझे इस जमीन का एक भी पैसा नहीं चाहिए और मैं ये पट्टा जो है मंदिर के नाम वापिस करने को तैयार। लगभग 5-6 करोड़ की जमीन आपने मंदिर वालों को दे दिया है, दान दे दिया। लगभग इतनी कभी जमीन, ये मेरे को तो इस जमीन की कीमत का भी पता नहीं था, उन लोगों ने मेरे को बताया था। अच्छा, कि लगभग इतने की जमीन है। मतलब लोग पैसे देने के लिए तैयार थे फिर भी आपने नहीं लिया? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, ये वो लोग बाग में बता देंगे। ये उन्होंने मेरे को सम्मान पत्र और प्रशंसा पत्र दिया है जिसमें इन्होंने ये स्पष्ट लिखा है कि मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है। अच्छा, और गाँव के लोग काफी खुश थे, इन्होंने मुझे वहाँ मंदिर पर बुला करके सम्मानित भी किया और सम्मान स्वरूप इन्होंने जो पगड़ी पहना करके मेरा मान सम्मान किया, तो लोग भी काफ़ी खुश थे और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी कि जब मैंने मंदिर को दान दिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस मंदिर के किसी भी काम आ सकूँ। ठीक है।